इस मूवी में एक टीचर के अंदर हबस की गर्मी इतनी भरी होती है कि मर्द न मिलने की वजह से वो गधे के ही साथ संभोग कर लेती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम नैन्सी नाम की टीचर को देखते हैं जो बच्चों को हेड डाउन करवाकर क्लास के ही अंदर नंगी होकर कपड़े बदल रही है, लेकिन बीच में ही एक नॉटी बच्चा अपनी गर्दन घुमाकर मैम को कच्ची में देख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वो टीचर एक खूबसूरत सी ड्रेस पहन लेती है। तभी सभी बच्चे उसे कहते हैं, मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज एनुअल फंक्शन होता है और नैन्सी सभी बच्चों के साथ परफॉर्म करती है। अगले सीन में हम देखते हैं नैन्सी क्लास के अंदर छुपकर किसी का इंतजार कर रही है। यहाँ पर नैन्सी के क्लास की ही एक लड़की के फादर व्लादिमीर आते हैं। व्लादिमीर को देखते ही नैन्सी उससे लिपट जाती है और फिर ये एक दूसरे को किस करने लगते हैं। व्लादिमीर नैन्सी की टांगे फैलाकर कुएं से पानी पीने लगता है। जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी व्लादिमीर वहां आकर नैन्सी के साथ संभोग करता था। नैन्सी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद वैकेशन के लिए व्लादिमीर के साथ जाने वाली थी और वो इसका एक साल से वेट कर रही थी। उसने व्लादिमीर से कहा था वो अपनी गुफा से व्लादिमीर के औजार को बाहर नहीं निकलने देगी क्योंकि नैन्सी की गुफा में बहुत ज्यादा आग थी, लेकिन व्लादिमीर नैन्सी के अरमानों पर पानी फेर देता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपनी वाइफ और बेटी के साथ जा रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली से प्रॉमिस कर चुका हूँ, हम अपने साथ एक गधा भी लेकर जा रहे हैं। जिस पर नैन्सी पूछती है, आखिर गधा क्यों? तब वो कहता है, इस बार हम गधे के साथ हाइकिंग करेंगे। इसके बाद नैन्सी व्लादिमीर की बात नहीं मानती, वो जिस जगह जा रहा था नैन्सी भी वहाँ की टिकट बुक करवा लेती है क्योंकि उसकी गुफा में बहुत ज्यादा गर्मी थी। वो सोच रही थी जब भी व्लादिमीर वैकेशन पर अकेला हुआ करेगा वो उसके औजार को अपनी गुफा में डलवा लिया करेगी। इसके बाद नैन्सी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो हर फैमिली में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो लोग उसे नहीं मिलते। फिर वो एक होटल में अपने लिए रूम बुक कर लेती है जहाँ पर उसे पता चलता है व्लादिमीर की फैमिली गधा लेकर हाइकिंग के लिए ऊपर जा चुकी है। फिर वो भी अपने लिए एक गधा बुक कर लेती है क्योंकि वो व्लादिमीर की वाइफ से कम ना लगे। फिर वहाँ पर एक आदमी नैन्सी को लाइन मारने लगता है, लेकिन नैन्सी उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि उसके कुएं का पानी सिर्फ व्लादिमीर के लिए निकलता था। काफी रात हो चुकी थी इसलिए नैन्सी को वहीं पर रुकना पड़ता है। अगली सुबह सभी टूरिस्ट साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रही थीं। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग नैन्सी को देखकर हंस रहे थे क्योंकि उसने यहाँ भी एक सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी और बाकी सब ने हाइकिंग के हिसाब से ड्रेस पहनी हुई थी। इसके बाद एक बूढ़ी औरत नैन्सी से कहती है, तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो? तब नैन्सी कहती है, मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ। वो बूढ़ी औरत कहती है, अकेले तो कोई नहीं आता, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड आने वाला है? तब नैन्सी कहती है, हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड आने वाला है। तब बूढ़ी औरत कहती है, तो उसे फोन करो। लेकिन नैन्सी कहती है, वो किसी और के साथ है, अपनी वाइफ के साथ है। तब बूढ़ी औरत कहती है, तुमने एक शादीशुदा को फंसा कर रखा है, उसका औजार लेने में तुम्हें मजा आता होगा, तुम्हारा पिछवाड़ा देखकर ही पता चल रहा है, तुम पीछे से भी देती होगी। उसके बाद सभी लोगों को पता चल जाता है नैन्सी एक शादीशुदा मर्द के लिए यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद हम देखते हैं होटल का मालिक नैन्सी को हाइकिंग के लिए एक गधा दे देता है जिसका नाम पैट्रिक होता है। फिर सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं क्योंकि उनके पास गधा नहीं होता और नीचे नैन्सी गधा चलाने की प्रैक्टिस करती रहती है। वो सोचती है अगर उसके साथ भी कोई मर्द होता तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो अपने गधों को लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन गधा कुछ ज़्यादा ही हरामी होता है, वो आगे नहीं बढ़ता। नैन्सी उसे खींच कर आगे ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक आगे जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। इसके बाद नैन्सी को पता चलता है पैट्रिक आगे तब चलता है जब उसके साथ कोई साथ में चलता है, अगर कोई उसके आगे चले तब वो आगे नहीं बढ़ता। कुछ दूर चलने के बाद पैट्रिक फिर से रुक जाता है। फिर नैन्सी वहीं पर रुककर आराम करने का फैसला करती है। तभी उसे पेशाब लगने लगता है और नैन्सी गधे पैट्रिक के सामने ही नंगी होकर पौधों को पानी देने लगती है। उसे लगता है गधे को इस सबसे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन पैट्रिक की पांचवी टांग में करंट दौड़ने लगता है। नैन्सी ये देखकर समझ जाती है और वो झाड़ियों में छुपकर पानी देने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है एक बंदा छुपकर उसके पिछवाड़े को देख रहा है जो एक टूरिस्ट ही था। इसके बाद वो जल्दी से अपनी कच्ची ऊपर करके वहां से गधे को लेकर भागने लगती है। फिर आगे बढ़ते हुए उसे शाम हो जाती है और आखिरकार वो वहां पर पहुंच जाती है जहां पर बाकी टूरिस्ट रुके हुए थे। नैन्सी को लगता है यहां पर व्लादिमीर की फैमिली मिल जाएगी, लेकिन वहां पर सिर्फ टूरिस्ट ही थे। और फिर वो उन लोगों के साथ डिनर करने लगती है और उसे पता चलता है यहां पर सभी टूरिस्ट पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो उन सभी से दूर रहने लगती है। इसके बाद वो रात में काली और चाइनीज को रोमांस करते हुए देखती है और रोने लगती है क्योंकि वो सोच रही थी काश व्लादिमीर उसके साथ होता तो वो भी उसके साथ संभोग करती। उसकी भी योनि में व्लादिमीर अपनी बंदूकें डाले। उसे देखकर काली और चीनी दोनों उसके पास आते हैं और फिर नैन्सी उससे कहती है, अब मैं हार मान चुकी हूँ, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन काली उसे समझाने लगता है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें जरूर हासिल होगा। उसके बहुत ज्यादा समझाने पर नैन्सी मान जाती है, अब उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। इसके बाद अगले दिन वो मोटिवेट होकर फिर से निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद पैट्रिक फिर रुक जाता है। नैन्सी को ये देखकर गुस्सा आने लगता है और वो उसे मारने लगती है। फिर वो सोचती है आखिर
सब में पैट्रिक की क्या गलती है, और वो उससे कहने लगती है, मैं व्लादिमीर को लेकर बहुत परेशान हूँ, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे ये तक नहीं पता वो आखिर कहाँ है। उसकी ये बातें सुनकर पैट्रिक चलने लगता है। अब नैन्सी समझ गई थी बातें करने पर पैट्रिक चलने लगेगा। फिर वो अपने एक्सेस के बारे में बताने लगती है कि उसने कितनी बार खुदवाई है और किसका कितना बड़ा था। इस प्रकार की बातें करते हुए पैट्रिक को सुनाती हुई जा रही थी, और फिर नैन्सी कहती है, सबसे बड़ा औजार व्लादिमीर के पास है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ रही हूँ। बातों ही बातों में ये लोग काफ़ी ज़्यादा चल लिए थे। इसके बाद नैन्सी आराम करने के लिए रुक जाती है। फिर हम देखते हैं अब नैन्सी पैट्रिक को पसंद करने लगी है और पैट्रिक भी नैन्सी को पसंद करने लगा है। तभी नैन्सी के फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है और वो देखती है व्लादिमीर का मैसेज आया है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जल्दी से उठकर वो पैट्रिक के साथ तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में वो रास्ता भूल जाती है और रात होने की वजह से उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं नैन्सी पैट्रिक को अपनी बाहों में भरकर सोई हुई है और उसके हाथ में पैट्रिक की पांचवी टांग है। एक्चुअल में रात नैन्सी को व्लादिमीर का सपना आया था, जिसमें उसने गधे की पांचवी टांग को अपनी गुफा में डलवा लिया है और उसके साथ दबाकर संभोग किया है। इसके बाद वो सुबह उठकर जब आगे बढ़ती है, तब उसे पता चलता है वो काली और चीनी के होटल पहुंच चुकी है, मतलब वो जहां से चली थी वापस वहीं पर आ गई है। इसके बाद वो हार मानकर होटल के अंदर चली जाती है, लेकिन काली समझ चुका था नैन्सी का यहां पर वापस आना तकदीर का कोई खेल है। इसके बाद जब अगली सुबह वो सोकर उठती है, तब वो विंडो से देखती है व्लादिमीर और उसकी फैमिली इस होटल में रुकने के लिए आ रही है। यह देखकर नैन्सी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो व्लादिमीर के औजार के लिए तड़प रही थी, अब किसी भी हालत में उसके साथ संभोग करना चाहती थी। इसके बाद वो जल्दी से सेक्सी ड्रेस पहनकर व्लादिमीर की फैमिली के सामने पहुंच जाती है। जैसे ही व्लादिमीर की बेटी एलिस नैन्सी को देखती है, वो अपनी मॉम को लेकर उससे मिलने के लिए आती है और नैन्सी उसे देखकर रिएक्ट करती है जैसे कुछ जानती ही ना हो। इसके बाद जब व्लादिमीर उसे देखता है, तब वो घबरा जाता है, कहीं वो उसकी वाइफ को कुछ ना बता दे। इसके बाद वो और भी ज्यादा घबरा जाता है जब उसकी वाइफ नैन्सी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो उन सभी को अपने गधे पैट्रिक से मिलवाती है। दूसरी तरफ काली भी समझ चुका था व्लादिमीर ही वो आदमी है जिसके लिए नैन्सी इतने दिनों से परेशान है। इसके बाद काली उन दोनों के लिए एक रूम सेट करता है। वो दोनों जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं, नैन्सी व्लादिमीर का औजार पकड़ने लगती है, लेकिन व्लादिमीर उसे ऐसा करने से मना करता है और नैन्सी देखती है व्लादिमीर उसे देखकर खुश नहीं है। व्लादिमीर उसे तुरंत वापस पेरिस जाने के लिए कहता है, लेकिन नैन्सी उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं थी। तब व्लादिमीर उसे समझाता है, हम दोनों का एक साथ रहना दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद वो उसे हक कर लेता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सभी टूरिस्ट एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी व्लादिमीर नोटिस करता है सभी मर्द नैन्सी से हंस हंस के बात कर रहे थे। ये देखकर उसे बुरा लगता है। इसके बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। जहां पर नैन्सी सो रही थी, उसी के ऊपर व्लादिमीर भी सो रहा था। फिर वो बेड के ऊपर से उसे अपना औजार दिखा देता है। फिर नैन्सी को नींद नहीं आती और वो उठकर अपने गधे के पास चली जाती है, और हमें यहाँ पर ऐसा लगता है शायद नैन्सी यहाँ पर पैट्रिक के औजार के साथ मस्ती करेगी। लेकिन तभी वहाँ पर व्लादिमीर आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और घास में ही दबाकर संभोग करते हैं। संभोग के बाद नैन्सी को बहुत ज्यादा सुकून मिला था। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं सभी लोग ट्रैकिंग के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं और अपने गधों को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पैट्रिक कुछ दूर जाने के बाद फिर से रुकने लगता है। शायद वो कल रात संभोग देखकर खुश नहीं था। ये देखकर व्लादिमीर की वाइफ नैन्सी के साथ चलने लगती है और फिर इन दोनों में बातें होने लगती हैं। व्लादिमीर की वाइफ कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। नैन्सी ये सुनकर कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अफेयर नहीं चल रहा है। तब व्लादिमीर की वाइफ उसे समझाते हुए कहती है, जब तक तुम्हारी योनि टाइट है तब तक वो तुम्हारे मजे ले रहा है। मैं उसके लटके हुए औजार को देखकर ही समझ गई थी वो तुम्हारी बजा रहा है। जिस दिन तुम्हारी योनि ढीली हो जाएगी वो तुम्हें छोड़ देगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर नैन्सी को समझ आने लगता है व्लादिमीर भी सिर्फ मेरे साथ संभोग करने के लिए मिलता है और ना ही मेरे साथ प्यार भरी बातें करता है और ना ही मेरे साथ घूमता है। इसके कुछ टाइम बाद व्लादिमीर उसके पास आता है और रात को मिलने के लिए कहता है, लेकिन नैन्सी बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो सफर को अकेले ही तय करने का इरादा कर लेती है। पीछे व्लादिमीर की फैमिली आ रही और वो अपने पैट्रिक को तेज दौड़ाने लगती है। फिर वो रस्सी में फंसकर गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। इसके बाद व्लादिमीर वहां पर आ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी उसे मना कर देती है, अब वो उसे कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद व्लादिमीर की फैमिली वहां से चली जाती है और नैन्सी पैट्रिक को अपने पास बुलाती है और किसी तरह उस पर बैठकर आगे बढ़ती है। इसके बाद वो एक टाउन में पहुंचती है जहां पर उसे पता चलता है उसके प्यार की कहानी पूरे टाउन में फैल गई है, जिसे देखकर वो किसी तरह आज ही पेरिस वापस लौटना चाहती थी, लेकिन आज पेरिस के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। तभी वो एक होटल में रुक जाती जहां पर टूरिस्ट में एक जानवरों का डॉक्टर भी होता है और वो उसके पैर को ठीक करने की कोशिश करता है। यहां पर नैन्सी को पता चलता है यहां पर जितने भी टूरिस्ट हैं सभी को उसके अफेयर के बारे में पता है। इसके बाद वो टूरिस्ट के साथ एक पार्टी में चली जाती है। उसे कैसे भी करके रात गुजारनी थी और सुबह को पेरिस के लिए वापस निकलना था। पार्टी
में उसे एक मोंटी नाम का बंदा मिलता है जो उसे किस करने की कोशिश करता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। इसके बाद वो नैन्सी को उठाकर उसके रूम तक लेकर जाता है। फिर वो रात भर उसकी बजाता है और अगली सुबह नैन्सी को बाय बोलकर अपने रास्ते निकल जाता है। इसके बाद नैन्सी अपने गधे को लेकर आगे बढ़ती है जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जो उसके पैर को ठीक कर देती है और उससे कहती है, पैट्रिक को बचपन से मैंने ही पाला है और ये बहुत ही अच्छा गधा है। इसके बाद नैन्सी अपने लास्ट होटल तक पहुँच जाती है। इसके बाद अगले दिन वो पेरिस के लिए निकलने वाली थी और जाने से पहले वो पैट्रिक को बाय बोलना चाहती थी, लेकिन होटल वाला उसे बताता है उसे तो कोई दूसरा टूरिस्ट हाइकिंग के लिए लेकर चला गया है। तभी वो तुरंत भाग कर जाती है और पैट्रिक को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक औरत बताती है उसे तो एक लौंडा हाइकिंग के लिए लेकर निकल गया। फिर वो दूसरी तरफ चिल्लाते हुए भागती है। उसकी आवाज़ सुनकर पैट्रिक दौड़ता हुआ उसके पास चला आता है। फिर नैन्सी उसे देखकर किस करती है और फिर वहां से जाने लगती है, लेकिन उसे जाता देखकर पैट्रिक उस लड़के के साथ आगे नहीं बढ़ता। फिर नैन्सी कुछ टाइम के लिए उसके साथ चलने लगती है और फिर उस लड़के के साथ नैन्सी बातें करने लगती है। पैट्रिक की वजह से नैन्सी को उसका नया प्यार मिल गया था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।